हेलो बच्चों, आज काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाला है जिसका नाम है मार्कोनिकोर रूल। ठीक है ना? ये टॉपिक बच्चों क्लास 11th और 12th दोनों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे एग्जाम में सवाल पूछा जाता है बच्चों। तो ये मार्कोनिकोर रूल होता क्या है, यूज कहाँ पे करते हैं, किस तरह से इसे अप्लाई करना है, ये सारी चीजें बच्चों हम आज के क्लास में जानेंगे। 5 मिनट में वीडियो आज का खत्म करेंगे बच्चों। चलो तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो देखो, सबसे पहले बच्चों हम बात करने वाले हैं मार्कोनिकोर रूल की। तो मार्कोनिकोर रूल लगता कब है बच्चों? जब आपके पास अनसिमेट्रिकल अल्कीन होगा और अनसिमेट्रिकल रिएजेंट होगा बच्चों। ठीक है, वहां पे आपको क्या करना है, मार्कोनिकोर रूल लगाना है बच्चों। ठीक है, तो अनसिमेट्रिकल अल्कीन का मीनिंग क्या है ये सबसे पहले समझते हैं। अब ये यहाँ पे जो मैंने अनसिमेट्रिकल अल्कीन लिखा है बच्चों, इसका मतलब क्या होता है? जैसे मैं एग्जाम्पल यहाँ पे लेता हूँ प्रोपिलीन। अगर मैंने एग्जाम्पल ले लिया बच्चों प्रोपिलीन, अब प्रोपिलीन की बात करते हैं तो यहाँ पे प्रोप का मतलब होता है बच्चों 3 कार्बन, 1 2 3। अब यहाँ पे ईएनई दिया है, मतलब कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड होगा, तो ये डबल बॉन्ड लिख दिया बच्चों, हाइड्रोजन एडजस्ट कर दिए। ठीक है, हाइड्रोजन एडजस्ट कर दिए। अब इसे अनसिमेट्रिकल क्यों कहा है? क्योंकि बच्चों देखो, अगर आप यहाँ पे डबल बॉन्ड के तरफ, मतलब डबल बॉन्ड के दोनों तरफ देखते हैं तो एक तरफ आपको CH2 ग्रुप दिखता है, इस तरफ एक तरफ CH3 CH ग्रुप दिखता है, मतलब दोनों ग्रुप बच्चों अलग अलग है। तो ये वाला स्ट्रक्चर कैसा है? अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है बच्चों। सिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है? जैसे हमारा फेस बच्चों सिमेट्रिकल है। देखो यहां से अगर इसे कट करते हैं तो हमारे फेस के दो सेम हिस्से होते हैं, वैसा यहां पे नहीं है। इसे में देखो, इस तरफ अलग पार्ट है, इस तरफ अलग पार्ट है बच्चों। तो ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन है। और अगर हमने अनसिमेट्रिकल रिएजेंट ले लिया बच्चों, जैसे हमने HBr ले लिया, तो ये भी अनसिमेट्रिकल है। देखो एक तरफ H है, एक तरफ Br है, ये भी अनसिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल मतलब दोनों तरफ सेम पार्ट, तो यहाँ पे दोनों के दोनों क्या है, अनसिमेट्रिकल है। आप HBr ले सकते हो बच्चों, आप HCl ले सकते हो, उसके बाद बच्चों आप HI ले सकते हो। ठीक है, तो ये आपके अनसिमेट्रिकल रिएजेंट है और आपका अनसिमेट्रिकल अल्कीन मैंने यहाँ पे लिया है प्रोपिलीन। तो जब बच्चों हम अनसिमेट्रिकल रिएजेंट को ऐड करते हैं अनसिमेट्रिकल अल्कीन में, ठीक है, तो मैं आपको करके दिखाता हूं कैसे, तो समझो। तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, हम सबसे पहले यहां पे प्रोपिलीन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? प्रोपिलीन। अब प्रोपिलीन होता क्या है? तो प्रोप का मतलब है बच्चों 3 कार्बन, कुछ इस तरह से, और ईएनई का मतलब है डबल बॉन्ड। ये डबल बॉन्ड बच्चों मैंने यहाँ पे लगा दिया, हाइड्रोजन एडजस्ट कर दिए। अब मैं इसका रिएक्शन करने वाला हूं बच्चों HBr के साथ। अब HBr के साथ जब मैं रिएक्शन करता हूं तो आप सभी को पता है यहाँ पे बच्चों ये जो Br है ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, इसकी वजह से इस पे माइनस डेवलप होगा, इस पे प्लस। अब ये डबल बॉन्ड क्या करना है बच्चों में, मार्कोनिकोव रूल क्या कहता है, व्हेन अनसिमेट्रिकल रिएजेंट इज एडेड टू अनसिमेट्रिकल अल्कीन देन निगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट, ये जो रिएजेंट है आपका, इसका जो निगेटिव पार्ट है बच्चों, जैसे Br माइनस, गोज टू दैट कार्बन ऑफ डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के उस कार्बन के पास जाएगा बच्चों विच कंटेन लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम। तो देखो हमारे पास ये 2 कार्बन है, इसके पास बच्चों 2 हाइड्रोजन आइटम है, इसके पास 1 हाइड्रोजन आइटम है, तो ये जो निगेटिव पार्ट है बच्चों ये कहां पे जाएगा, डबल बॉन्ड के उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास कम हाइड्रोजन होते हैं, और टू फॉर्म मेजर प्रोडक्ट। मतलब लिखेंगे कैसे, तो देखो मैं यहां पे लिख के दिखाता हूं। व्हेन अनसिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल रिएजेंट है ना, अनसिमेट्रिकल रिएजेंट, इसे क्या किया है, इज एडेड टू, इसे ऐड किया है बच्चों, इज एडेड टू अनसिमेट्रिकल, कहां पे, अनसिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल अल्कीन है ना। जब हमने बच्चों अनसिमेट्रिकल रिएजेंट को अनसिमेट्रिकल अल्कीन में ऐड कर दिया तब हुआ क्या, देन निगेटिव पार्ट किसका निगेटिव पार्ट बच्चों, निगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट है ना, रिएजेंट का निगेटिव पार्ट बच्चों, निगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट गोज टू दैट कार्बन ऑफ डबल बॉन्ड, दैट कार्बन ऑफ डबल बॉन्ड विच कंटेन डबल बॉन्ड विच कंटेन लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, उसके पास क्या है बच्चों, विच कंटेन लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स टू फॉर्म, और क्या बनाएगा बच्चों, टू फॉर्म मेजर प्रोडक्ट, और क्या बनाएगा,
मेजर प्रोडक्ट बनाएगा बच्चों, ठीक है। तो कैसे, तो देखो ये जो नेगेटिव पार्ट है बी आर माइनस, ये किसके पास लेके जाएंगे, डबल बॉन्ड के उस कार्बन के पास जिसके पास हाइड्रोजन कम है। तो हमें करना क्या है बच्चों, कुछ इस तरह से सी एच थ्री सी एच, यहाँ पे सी एच टू। अब करना क्या है, डबल बॉन्ड ब्रेक कर दिया, निगेटिव पार्ट बच्चों इसके पास लेके जाओ, मतलब यहाँ पे आएगा बी आर, और इसका भी बॉन्ड कम हुआ है तो इसके पास बच्चों पॉजिटिव पार्ट लेके जाओ, तो यहाँ पे आएगा एच। और ये जो प्रोडक्ट बनेगा बच्चों ये होगा हमारा मेजर प्रोडक्ट, क्या होगा बच्चों ये मेजर प्रोडक्ट। और इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा बच्चों, तो देखो ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, दूसरे कार्बन पर ब्रोमो, तो इसे कहेंगे बच्चों टू ब्रोमो, ठीक है। उसके बाद तीन कार्बन का चेन है, तीन कार्बन का होगा प्रॉप, और कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है तो क्या आएगा बच्चों एनी, तो क्या बनेगा टू ब्रोमो प्रोपेन, ये हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा। एक माइनर प्रोडक्ट भी बनेगा बच्चों, वो जो माइनर प्रोडक्ट है वो क्या होगा, मैं यहाँ पे ऊपर दिखता हूँ, माइनर प्रोडक्ट इसका अपोजिट बनाना है, मतलब देखो ये सी एच थ्री, ये सी एच, उसके बाद सी एच टू। अब करना क्या है, ये निगेटिव पार्ट इसके पास नहीं भेजना, उल्टा करो इसके पास भेज दो, मतलब जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है उसके पास हमने बी आर को भेज दिया, और जिसके पास कम हाइड्रोजन है उसके पास सी एच को भेज दिया। और ये जो प्रोडक्ट बनेगा बच्चों ये वाला प्रोडक्ट हमारा माइनर होगा, कैसा होगा माइनर प्रोडक्ट, और इसका नाम क्या होगा, पहले पे बी आर, ये दूसरा ये तीसरा, तो इसका नाम होगा बच्चों पहले पे बी आर, तो इसका नाम होगा वन ब्रोमो, और तीन कार्बन का क्या होगा प्रॉप, और कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड तो क्या होगा एनी। तो बच्चों कुछ इस तरह से दो प्रोडक्ट मिलेंगे, तो हमारे लिए जो काम का प्रोडक्ट है वो है मेजर प्रोडक्ट जो ज्यादा बनने वाला है। तो प्रोपिलीन का रिएक्शन बच्चों जब हम एचबीआर के साथ करते हैं तो ये रिएक्शन अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल होता है, क्योंकि अनसिमेट्रिकल अल्कीन में हम अनसिमेट्रिकल रिएजेंट ऐड करने वाले हैं, तब रिएजेंट का जो निगेटिव पार्ट है डबल बॉन्ड के उस कार्बन के पास जाता है बच्चों जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है, और हमें क्या देता है मेजर प्रोडक्ट देता है। जैसे मैंने यहाँ पे HBr लिया है बच्चों, वैसे ही आप यहाँ पे क्या ले सकते हो, HCl ले सकते हो, HR ले सकते हो बच्चों, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे प्रोपीलीन का एग्जांपल दे दिया, अब आपको एक मैं होमवर्क देता हूँ जो आपको घर पे सॉल्व करना है बच्चों, ठीक है, होमवर्क दे रहा हूँ जो आपको घर पे सॉल्व करना है। तो घर पे किसके लिए सॉल्व करना है, तो मैं यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ आपको ब्यूट ब्यूट वन ईयरी, ठीक है। तो ब्यूट वन ईयरी बच्चों ये आपके लिए होमवर्क है, इसके लिए आप क्या करो मार्कोनिकॉफ रूल लगाओ और मुझे बताओ, आपको घर पे सॉल्व करके देखना है और आपको बताना है कि यहाँ पे जो आपका मेजर प्रोडक्ट होगा वो कौन होगा और माइनर प्रोडक्ट कौन होगा बच्चों। ये दोनों चीजें आपको घर पे देखनी है करके, और सेम फंडा वही है, जो निगेटिव पार्ट है रिएजेंट का वो कहाँ पे जाएगा, डबल बॉन्ड के उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या क्या होगी बच्चों कम होगी, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं बच्चों अभी अगले वीडियो में, और ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों, और उसके साथ साथ हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, उसे क्या कर लो ज्वाइन कर लो, ताकि आपको फ्री नोट्स और वीडियोस की नोटिफिकेशन बच्चों मिलती रहे, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय बच्चों।